डॉक्टर खान, लेकिन सोनम राणा लखनऊ से मेरी एक दर्शक जुड़ रही हैं। डॉक्टर खान से मैं जवाब लूँ उससे पहले सोनम जी आप बताइए, पाकिस्तान के मंत्रियों के पांव कांपते हैं भारत का नाम सुन के, ये डर ठीक है ना? यस सर, पाकिस्तान हमेशा से छुपकर वार करता है, बोलता है परमाणु बम है, लेकिन इनकी जैसी टेररिस्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक बात और, स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने एक यूएन सभा में कहा था कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है। बिल्कुल सही सोनम आपने कहा, और इसी आतंकिस्तान की बात मैं कर रहा हूं कि अब इसको आतंकी देश घोषित करना चाहिए, जब पुलवामा पर मंत्री फवाद चौधरी कह रहे हैं। डॉक्टर राणा, डॉक्टर खान बताइए मुझे, हकीकत नहीं है कि सभी जजों ने एक जज को छोड़कर आईसीजे में कुलभूषण जाधव के मसले पर आपकी फटकार लगाई थी, और दूसरी हकीकत आपको नहीं लगता कि इमरान खान के राज में अब पाकिस्तान में चीनी लोग नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं? आपको ये हाल हो गया पाकिस्तान का, जो मुसलमानों के नाम पे इस्लाम के नाम पे एक अलग राष्ट्र बना था? मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियां हैं पाकिस्तान के बारे में। पहले तो आप बात कर रहे हैं कि टांगे कांपती हैं, यकीन कीजिए कि हमने ये एक इंसानियत की वजह से आपका माफ कर दिया था आपके पायलट को अभिनंदन को, कि हम एक इंसानियत, आप अपने ही सांसद की बात सुन लीजिए ना, अयाज साहब तो स्पीकर भी रह चुके हैं, आपके ही सीनियर एमपी है वो, उसके वार करने वाले लोग नहीं। सर मैं सुनाऊं क्या उनकी भाई, हम सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, आपकी फौज भाग जाती है, हम वो लोग हैं, हम मुसलमान का जो जज्बा है ना वो आपने देखा हुआ है। कॉमेडी शो नहीं चला रहा हूँ डॉक्टर खान, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, सीरियस शो चल रहा है। सुनाइए अयाज साहब की बात, अयाज सिद्दीकी की बात, कैसे शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे, कैसे बाजवा को पसीना आ रहा था, कैसे इमरान खान मीटिंग छोड़कर भाग गए, सुनाइए उनका स्टेटमेंट। डॉक्टर खान सुनिए, और डॉक्टर खान को और मुझे फ्रेम में रखिएगा, सुनिए वो स्टेटमेंट, आपके खुद के सीनियर एमपी कह रहे हैं किसके पांव कांप रहे थे, सुनिए किसके पांव कांप रहे थे, सुनिए। देखिए आप सर, शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे, बाजवा को पसीना आ रहा था,